सिनफुली डिलीशियस चॉकलेट ब्राउनीज आज बनाते हैं। नमस्कार, सोनालिका गौमय किचन में आपका स्वागत है। इस तरह की नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं बटर लेने से। बटर को पिघला दे। 6 इंच का मोल्ड लिया है स्क्वायर वाला हमने, इसको हमने इस तरह से ग्रीस कर लिया है। बटर पिघल गया है तो उसमें हम डालेंगे गरम दूध 150 ml बैचेस में डालेंगे। शुगर यहाँ पे 100 ग्राम डाला हमने, वेनिला एसेंस 1 चम्मच डाला है। बिल्कुल बढ़िया से चीनी के पिघलने तक इसको मिला लें। बढ़िया से जब ये पिघल जाए तो इसमें हम डालेंगे मैदा, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर हमने यहाँ पे डाला है। बेकिंग पाउडर डालकर हम इसको अच्छे से सीव कर लेंगे, छान लेंगे। इससे काफ़ी बढ़िया फजी ब्राउनी आपका बनेगा, और कुछ अशुद्धि हो तो वो भी निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारा बढ़िया से बैटर, अब इसको रेडी करना है हमें। तो इसको अच्छे से मिला ले, बिल्कुल बढ़िया से मिलाना है। और दूध को हमने बैचेस में डाला है, तो दूध जब भी डाले थोड़ा सा वार्म मिल्क डाले और इसको बिल्कुल स्मूथ होने तक मिला ले बैटर को। बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह का टेक्सचर वाला बैटर हमें बनाना है कि बिल्कुल स्मूथ फ्लोई टेक्सचर बने इस तरह का। अब इसको हम डाल लेंगे मोल्ड में। अवन को हमने प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री C पे, कन्वेक्शन मोड पे। और प्री हीट होने के बाद हम इसको डालेंगे अवन में। तो अच्छे से इसको चारों तरफ फैला दे, एक बार इसको इस तरह से टैप कर ले ताकि एक्स्ट्रा बबल्स निकल जाए। अब इसको हम 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 35 मिनट के बाद ये जो केक है ये बिल्कुल बढ़िया से हमारा ब्राउनी वाला बेस रेडी है। ये देखिए क्लीन आया, मतलब ये परफेक्टली डन है। ढक करके ठंडा होने देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद ये जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको निकाल लीजिए, डीमोल्ड कर लीजिए और इसको प्लेट में डाल दें। अब हम इसकी गनाश या ग्लेज रेडी करेंगे। तो चॉकलेट ले ले 100 ग्राम, हेवी क्रीम हमने डाला है और ये चॉकलेट का आधा होना चाहिए, मतलब 50 ml लिया है। इसको माइक्रोवेव में गर्म करके इस तरह से पिघला लें, या फिर आप इसको डबल बॉयलर की सहायता से भी पिघला सकते हैं। अब जब बिल्कुल ठंडा हो जाए केक और ये हमारा ग्लेज थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसको ब्राउनीज के ऊपर इस तरह से डाल ले, पोर कर ले और इसको अच्छे से फैला दें। बिल्कुल बढ़िया से इस तरह से फैला देना है ताकि बिल्कुल बढ़िया सा जो हमारा ब्राउनी है उसका ग्लेज आ जाए। 10 मिनट इसको सेट होने के लिए छोड़ दें। ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत ग्लेज आ गया है देखिए हमारे ब्राउनीज पे। तो सुपर यमी सिनफुली डिलीशियस ब्राउनीज हमारी तैयार है। ये देखिए, ये ऊपर से तो जितना सुंदर है ही, अंदर से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यमी और फजी बना है। और इस तरह से या तो अकेले ब्राउनी का स्वाद ले ले या फिर आइसक्रीम के साथ इसका आनंद ले। ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट की सिरप जो हमने बनाई है वो डाल ले और थोड़े से काजू बादाम डाल ले। बहुत ही स्वादिष्ट ब्राउनीज तैयार है, इसका आनंद ले। और ऐसे ही नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें।